यस हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम या पागल में। सो कैसी चल रही है आप लोग की स्टडीज, बताइए बताइए। सो ऐसे सवाल आप लोगों से कितने लोग पूछ रहे हैं। मेनली पेरेंट्स तो पूछ ही रहे होंगे कि आपकी स्टडीज कैसी चल रही है, कितना रिवाइज हुआ, फिजिक्स में क्या चल रहा है। मेरी माँ तो जब फ़ोन करती है ना तो मेरे से दो ही सवाल पूछती हैं, पढ़ रही हो? मैं बोलती हूँ हाँ। बोलती है मार्क्स कैसा आ रहा है? हम बोलते हैं वही पुराना। बोलती है कब इम्प्रूव होगा? बोलती पता नहीं। तो कुछ इस तरह से चल रहा है। सो यहाँ मैं सुबह के आई गेस 9:30 हो रहे थे और मैं जग गई थी 9:30 के अप्रॉक्स ही। आजकल मेरी नींद खुलती है। आफ्टर दैट मैं फ्रेश हो गई थी। फ्रेश होने के बाद मैंने खुद के लिए चाय बनाई। और ये जो काउंटर दिख रहा है इसको जज मत कीजिएगा, क्योंकि हॉस्टल में ऐसे ही होती है हालत। कितनों को समझाया जाए और क्या छोड़ो हटाओ उस पर टॉपिक पे बात ही करते हैं। तो मैं फटाफट से अपनी चाय बना रही हूँ, उसके बाद चाय बना के फिर पढ़ने बैठूँगी। तो ये फटाफट से मेरी चाय बन चुकी है और ये देखिए मैंने कैसे बर्तन ढुलका दिया है। ऐसे करते करते कभी कभी मेरी चाय पूरी ही गिर जाती है। तो यहाँ मैंने गर्म पानी पी लिया है, अब बारी है चाय की। तो चाय तो मेरे को लगता है कि पूरे डे में कुछ मेरी लाइफ में सबसे अच्छा होता है। तो मैं जब चाय पी रही होती हूँ, मेरे को चाय पीना पता नहीं, मेरे को एक टाइम ही चाहिए बट चाहिए, ऐसी वाली आदत हो गई है। पता नहीं ये बहुत ही बेकार आदत हो गई है, बिकॉज जिस दिन मैं चाय नहीं पीती हूँ मेरे सर में इतनी दर्द हो जाती है, मेरे को उस दिन कुछ नहीं सूझ रहा होता है, लगता है बस मैं सोई रहूँ, तो ऐसा हो जाता है। तो चलो फटाफट से चाय पी लेते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों को। सो यहाँ मैंने रात को चना, मूंग और बादाम और अखरोट को फूलने के लिए डाला था, तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। तो अभी मैं इसमें स्प्राउटिंग करूँगी फिर खाऊँगी, और एलमंड्स और ये तो खा लूँगी बादाम। सो आप लोग सोचेंगे नहा धुल तो पहले ही लिया था, फिर ये ब्रश अभी क्यों कर रही हूँ? तो आज मैं ब्रश करना ही भूल गई। जैसे जैसे नींद का टाइम पास आ रहा है ना, दिमाग अब लग रहा है काम करना बंद कर दिया है, तो वही मैं ब्रश कर रही हूँ अभी। और आप लोग अभी मैंने कान में ईयरफोन लगाया है, मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही डिस्कस हो रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस क्या पता है इससे आ जाए। तो वही मैं कान में लगा के सुन रही हूँ और ब्रश कर रही हूँ यहाँ। सो आज सैटरडे है, तो सैटरडे को हमारे हॉस्टल में खिचड़ी चोखा मिलती है। तो देखो वही मिली है, खिचड़ी चोखा पापड़, और मेरे पास घर की अचार थी तो मैंने वो रखी है। तो कुछ इस तरह से चल रहा था डे। सो लंच करने के बाद कितनों लोगों को नींद आती है प्लीज़ बताना, बिकॉज़ आजकल मेरे को लंच करने के बाद ऐसी नींद आती है कि मेरे को लगता है कि किसी ने लंच नहीं कराया है, मेरे को किसी ने नशा करा दिया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इतनी देर ना मैं क्वेश्चंस कर लेती हूँ, जिससे थोड़े मेरे दिमाग एक्टिव रहेंगे, नहीं तो अगर मैं लेक्चर देखती हूँ ना इस टाइम तो फिक्स है कि मैं सो ही जाती हूँ। तो इसलिए मैं लेक्चर्स को साइड में रख के ऐसे ही बस क्वेश्चंस कर रही थी EITS के। अच्छा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक अच्छे करियर के लिए हमारे दिमाग में बेसिकली दो ऑप्शंस आते हैं, IIT और AIIMS में एडमिशन लेना। सो हमारी स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। हमारे कम्पिटिटिव फ्यूचर्स की तैयारी हम 12th में होते हैं तब से ही स्टार्ट हो जाती है। सो PW इस बात को समझता है, तो इसलिए PW से पढ़ाई करके आप अभी 12th की पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं PW के बैचेस से। इन बैचेस में आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। और 12th के स्टूडेंट्स के लिए परिश्रम बैच जो कि 2500 की है, जो कि
8 मई से स्टार्ट हो रही है CBSE बोर्ड प्रिपरेशंस के लिए बेसिकली है, और 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी। इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, और वीकली आपकी 5 दिन क्लास होगी 1 आवर 45 मिनट की। और PDF नोट्स मिलेंगे, डाउट इंजेंस होगी जहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो आप PW कोर्सेज परचेज करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको PW का लिंक दे दिया है, और मैंने जो स्क्रीन पे है वो कूपन कोड आपको शो कर रहा होगा, तो आप इस कूपन कोड से 150 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप लोग सोचेंगे मैं यहाँ अचानक से पढ़ते पढ़ते हंस क्यों रही हूँ, तो मैं सुधांशु सर का फिजिकल केमिस्ट्री का महा रिवीजन देख रही थी, और उसमें मैंने कुछ कमेंट्स देखे तो उस पे मेरे को हंसी आ रही थी। अच्छा, कितने लोग ऐसा करते हो कि नीट के लिए एक स्पेशल कपड़ा खरीदते हो कि ये नीट के लिए तो परफेक्ट रहेगा, उसमें ना तो बटन हुए है ना तो फुल स्लीव है, तो ये सारी चीज़ें। तो हम और शिवांशी, बिकॉज हम ही दोनों हॉस्टल में नीट एस्पायरेंट के तौर पे, नहीं तो सारे BPSC और SSC वाले भरे हुए हैं, तो हम दोनों निकले अपने कपड़े खरीदने के लिए। बिकॉज मेरे पास जितने भी कपड़े थे सब में कुछ बटन्स थे, कुछ ऐसा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक पर्टिकुलर ड्रेस ले लेते हैं, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो कि कोई तामझाम क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए हम गए बाहर निकले, और पता चला कि आज पटना में ऑटो की हड़ताल है, तो ऐसी किस्मत लेके निकले थे। कितने दिनों बाद लग रहा था कि मैं घर से बाहर निकली हूँ, और निकली तो पता चला कि आज ऑटो की हड़ताल है, बट एक बार निकल गए थे, फिर सोचा कि दोबारा जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए हम लोग की स्ट्रगल अलग ही लेवल हो गई उस दिन। तो गाइस, ऑटो नहीं मिल रहा है और हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, नहीं मिले हैं ऑटो गाइस, नहीं मिले हैं, की करिए, हमने समझ में आ गाइस, मैं बर्तन धो रही हूँ। सो यहाँ हमारी बर्तन धुल गई है, और इतना थक गई थी कि मैं थोड़ी देर लेट गई और मेरे को नींद आ गई, और अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी मेरी नींद खुली है, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो चलो पढ़ने बैठते हैं। सो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, थैंक यू, बाय।